आइए घर पर पिज्जा बनाए, वो भी कढ़ाई में बिना ओवन के। 2 कप मैदा दीजिए, आधा कप आटा, शुगर 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, खाने वाला सोडा थोड़ा सा, रिफाइन ऑयल दीजिए ताकि आटा सॉफ्ट सॉफ्ट रहे, खाने में टेस्टी लगे, और 1 कप दही, ये इम्पोर्टेंट है, इसी से स्वाद ज़्यादा बनता है पिज़्ज़ा का। दही देकर ठीक से गूने, थोड़ा सा पानी देकर आटे को गूने। ध्यान रखिए आटे टान नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए। गुने हुए आटे को 1 घंटे के लिए रख दे। पिज्जा के लिए लहसुन देना जरूरी है, इससे टेस्ट ज्यादा बनता है। उसको मीही मीही कट कर ले, टमाटर प्याज और कैप्सिकम को भी कट के रखे, और गुने हुए आटे को 3 भाग में भाग कर ले, यानी कि जितने मैंने आपको बताया था आटे का हिसाब, उसमें 3 पिज्जा आराम से बनता है। और इस तरह हाथों से उसे गोलाई बनाइए, सिल्वर के प्लेट में थोड़ा सा रिफाइन देकर उस हाथे से बेले हुए आटे को रख दे। सिल्वर का प्लेट में हीट अच्छा होता है, इसलिए आप सिल्वर का प्लेट ले और इस तरह काटे चम्मच से छेद कर दीजिए ताकि वो ना फूले। टमाटो सॉस अच्छा कंपनी का होना चाहिए और ढेर सारा देकर उसमें आप चम्मच से सारे जगह लगाइए, अच्छे से टमाटो सॉस को लगाइए। लगाने के बाद चीज़ इसके ऊपर रखें। मैंने तो कम चीज़ दिया हूँ, ज़्यादा चीज़ देंगे तो स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ज़्यादा देके भी बना सकते हैं। अच्छे से चीज़ रखें, इसके बाद कटा हुआ प्याज, लहसुन का छोटे छोटे काटा हुआ टुकड़ा, कैप्सिकम, टमाटर सारा देने के बाद फिर से आप चीज़ दें, ढेर सारा दें, मैंने कम दिया हूँ, मैंने आप ढेर सारा दें, बहुत टेस्ट लगता है। कढ़ाई को गरम कर ले, इसके बाद पिज्जा को कढ़ाई में रखकर करीबन 20 मिनट धीमी आंच में पकाइए। बिना ओवन पर आप पिज्जा घर में बना सकते हैं। ध्यान रखिए गैस धीमी कर ले। 20 मिनट बाद अगर आप ढक्कन खोलते हो तो देखिए पिज्जा रेडी। इसके बाद आप टमाटो सॉस देकर, मिर्ची का पाउडर, पिज्जा मसाला देकर काट कर आप खा सकते हो। इजी आप घर में बना सकते हो, बच्चे के लिए टिफिन भी बना सकते हो, स्कूल टिफिन, और घर में पार्टी भी कर सकते हो। बहुत ही कम दाम पे बनता है घर पे और बहुत टेस्टी होता है। अगर आप पनीर आप देख के बनाना चाहते हो तो सब पनीर भी आप ऐड कर सकते हो।
मेरे बनाए हुए पिज्जे आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।